गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आइए आज का क्लास शुरू करें, जल्दी जल्दी बच्चे जुट जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, आज जो है मेन क्लास है, मेन ग्रुप का आज क्लास चलेगा। और कल की क्लास में थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस रहा है, वाईफाई आज मेन ग्रुप का क्लास है, बट इसको सभी और बच्चे देख सकते हैं। सभी बच्चे और टीचर नहीं है, इसको सभी मेरा साउंड आप लोग के पास क्लियरली पहुंच रहा है, तो यह चिंता मत कीजिए। मेरा साउंड आप लोग के पास, हाँ देखिए, ये ऑल कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स के लिए, जितने भी बच्चे वह रिम्स हो, मिलिट्री हो, सैनिक हो, और सभी के लिए। ठीक है सर, लाइट ऑफ कर दीजिए उसमें, सर लाइट ऑफ कर दीजिए। ठीक है, चलिए, जैसा है यू नो, वीक फर्स्ट 15 मिनट्स समरी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, आपको नहीं कर दिया हाँ, चैप्टर वाइज। ठीक है, देन आफ्टर वी डू एमसीक्यू ऑन दिस बेसिस ऑफ चैप्टर। ठीक है, इसलिए ज्यादा से बच्चे जुड़ जाए, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी आइए, देखते हैं आज के सेशन में क्या है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप एनसीईआरटी, ऐसे सभी बच्चे इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 बुक का चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड बंडल्स टेल अस। ठीक है, यह इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में देखिए, सिंपल भाषा में देखें तो यह वैदिक पीरियड से जुड़ा है, या से जितने भी वैदिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी पर आज डिस्कस करेंगे। इसलिए आइए इस चैप्टर में पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है, चैप्टर के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, सर देखिए आइए देखते हैं। ठीक है, ऊपर सर देखिए, आप आइए आइए, देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट बुक में से कौन है, तो आइए इस पर हम आज थोड़ा देखते हैं कौन है। देखिए देखिए सबसे पहली बात, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं क्लास, या फिर बाद में भी क्लास देख रहे हैं, ये जितना कलर किया हुआ है ना येलो कलर का, जितना येलो कलर किया हुआ है, आप नोट्स के रूप में लिखेंगे या नोट्स के रूप में लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट्स के रूप में लिखेंगे, और यह जो अंडरलाइन किया हुआ है यह आपके समझने के लिए, इसको जो है ना समझने के लिए आपके लिए अंडरलाइन किया गया है, और जितना भी येलो कलर से जो भी किया हुआ है हाईलाइटेड, वह आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, आज का सेशन शुरू करते हैं इसे, जो बच्चे नोट डाउन करेंगे लास्ट में उनको पता चलेगा कि कितना फायदा होगा इससे आप लोग को, कितना ज्यादा फायदा होगा इससे आप लोग को नोट डाउन करने से। ठीक है, बाद में ऐसे भी वीडियो देखने के बाद बच्चे भूल जाते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करें सभी बच्चे। देखिए आपसे कंपटीशन में नहीं पूछेगा, देखिए सिक्स में आप जैसे आवर पास्ट जो है वो एंशियंट हिस्ट्री है। ठीक है, बट क्लास सेवन में है वह है मॉडर्न हिस्ट्री,
वाई मदर मिनिस्ट्री, ठीक है। और एट में जो है वह है आपका, सॉरी सेवन में मिडिवल हिस्ट्री है, सेवन में मिडिवल हिस्ट्री है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेवन में मिडिवल हिस्ट्री है और एट में मॉडर्न हिस्ट्री है। और एज यू नो एवरी एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम में इन तीनों जो हिस्ट्री है और देश से और ऑल पार्ट से, जो तीन पार्ट है वन टू थ्री, ऑल पार्ट से मिक्स कर कर इससे जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अब ज्यादा इस पर हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, बहुत बार आप लोग यह बता चुके हैं, इसलिए आइए अब चैप्टर वाइज बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है, देयर आर फोर ऑफ देम, फोर टाइप, फोर ऑफ देम, ठीक है। वेद कितने हैं, देखिए वेद कितने हैं, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, वेद कितने हैं, तो चार है, कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। यह वेद जो है ना चार वेद, यह ओल्डेस्ट और इन सभी वेदों में सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है सर, इस सब में ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, देखिए सबसे ओल्डेस्ट वेद आपसे पूछा जा रहा हूँ, विच इज द, हु इज द ओल्डेस्ट वेद, क्वेश्चन आपसे यह रहता है एग्जाम में, आप लोग भी जानते हैं। तो देखिए सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। या कब कब कंपोज किया गया था, भी ऋग्वेद वाज कंपोज, तो यह कब कंपोज किया गया था, देखिए आप लोग 3500 ईयर एगो यह जो है ना कंपोज किया गया था, कौन, ऋग्वेद, ठीक है। और इसमें कितने क्या है, जो एज सेड इसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं, ठीक है। और यह जो है हाइमंस में, देखिए इसमें मेन मेन आप लोग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस किस गॉड के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, किन किन गॉडों को उस टाइम वैदिक पीरियड में, गॉड वैदिक पीरियड में देखिए थ्री गॉड का इंपॉर्टेंस ज्यादा था, देखिए यहाँ पर सारा मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी जो एक फाउंडेशन बुक है, आप लोग को एक बार ध्यान से देखना चाहिए। थ्री इंपॉर्टेंट गॉड है, कौन है, अग्नि है, जो किसके लिए है, फायर के लिए, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मैं इस टाइप से क्वेश्चन भी करवाऊंगा, इसलिए सभी बच्चे प्रिपेयर रहे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। इंद्र जो है, इंद्र देखिए इंद्र क्या क्यों फेमस थे उस टाइम, इंपॉर्टेंस थे, वो वॉरियर्स थे, वो वार करते थे, युद्ध करते थे, ठीक है। और सोम एक प्लांट है, सोम क्या है, एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होता है, ठीक है, स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर होता है। और सारे जितने भी पॉइंट को मैं येलो कलर से जो सर्कल कर रहा हूँ सभी से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हम देखे रहे हैं एकदम, देखिए। और ये सभी हेमंत को, हेमंत को कौन कंपोज किया है, देखिए कौन कंपोज किया है, सै यानी ऋषि, ऋषि लोग कंपोज किए, ठीक है। लेकिन कंपोज तो कर दिए इतने टाइम तक हुआ, तो उनका लाइफ इतना टाइम, लाइफ साइकिल इतना टाइम तो होगा नहीं, इसलिए वो क्या किए ना, वो अपने स्टूडेंट को जो है मेमोराइज करवा दिए, ठीक है। स्टूडेंट को क्या करवा दिए, देखिए स्टूडेंट्स को मेमोराइज करवा दिए, और कैसे किस तरह को मेमोराइज किया, वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बीट, यानी एक एक चीज को वो जो है मेमोराइज करवा दिए, एक बीट बाय बीट, ठीक है, एक एक चीज को मेमोराइज करवा दिए। लेकिन ठीक है, लेकिन वैदिक पीरियड जो है ना, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद, यहाँ देखिए ध्यान से सब सब ऊपर चल गया, आइए ध्यान से हर एक पॉइंट को मैं आप लोग के सामने रखूंगा, ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। और मैं लास्ट में एमसीक्यूज भी करवाऊंगा, इसलिए चैप्टर को छोड़े नहीं आप लोग, बस बस सर और नीचे नीचे नीचे,
बस 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 देखिए यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है, जो लीग बेद है ना, लीग बेद या लीग बेद किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, कोई बता सकते हैं? जिनको पता है वो कमेंट करे, और जो बच्चे आ रहे हैं वो कंटिन्यू टिके रहे, आना जाना मत करे, बहुत सारी चीजें आपको बाद में समझ में नहीं आ पाएगी। बताइए लीग बेद आपके सामने है, लीग बेद वो किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है, तो वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया है। किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? वैदिक संस्कृत में, ठीक है। जो लेकिन वैदिक संस्कृत क्या है, वो जो आज के टाइम में जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में उस टाइप से नहीं हुआ करता था, वह संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत इसका आंसर होगा। हम लोग जो आज पढ़ते हैं संस्कृत उससे थोड़ा डिफरेंट था, और जो बच्चे लाइव है वो कंटिन्यू लाइव रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट में बहुत डीपली तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग जुड़े रहे, आना जाना नहीं करें। नेक्स्ट सर, और इसके बाद मैं एमसीक्यू इसके भी करवाऊंगा। हाँ, वैदिक संस्कृत बहुत बढ़िया, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए एक मिनट, देखिए लैंग्वेज जो है ना, आप लोग आज हम लोग साइंस के टाइम में, हाँ बहुत बढ़िया, आज हम लोग साइंस के टाइम में बहुत साइंस हम लोग समझते हैं, डेवलप कर गया, लेकिन हम लोग का जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है ना, वह भी मानता है कि सभी लैंग्वेज जो है ना का मदर जो है, सभी लैंग्वेज जो है ना संस्कृत से निकला हुआ है, आज साइंस भी मानता है इस चीज को, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ, देखिए संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिलियर ऑफ लैंग्वेज नो एज, देखिए इससे क्वेश्चन बने या नहीं बने लेकिन आपको जानना जरूरी है, ठीक है। फैमिली ऑफ लैंग्वेज नो एज इंडो यूरोपियन। देखिए इंडो यूरोपियन में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, सब इंडियन लैंग्वेज एज आसामी, गुजराती, हिंदी। देखिए यहाँ मैं ठीक कर रहा हूँ, इंडो में कौन कौन सा आता है, आसामी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, ठीक है, एंड सिंधी। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज, इसमें यूरोपियन लैंग्वेज, देखिए इंडो मतलब इंडियन, यूरोपियन मतलब यूरोप, ठीक है, सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, हाँ जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। देखिए इंडो स्पेनिश से कितने लैंग्वेज बिलोंग करते हैं, देखिए एक टाइप और जितना ग्रेट सॉरी एरो टाइप से मैं मार्क किया हूँ वह सब देखिए टाइप ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। देखिए एक और है, अदर लैंग्वेज इज द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग द डिफरेंट फैमिलीज फॉर द इंस्टेंट दोज यूज द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द, देखिए यहाँ तिप्तो वुमन तिप्तो बर्मन फैमिली, देखिए एक लैंग्वेज वह होगा, एक लैंग्वेज यह, दूसरा लैंग्वेज यह होगा, इसमें कौन कौन आता है, देखिए तमिल, जो हम लोग साउथ साइड में बोलता है ना, साउथ साइड में जो लोग बोलते हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बिलोंग टू द यर इस फैमिली से आते हैं, या ड्रेविडियन फैमिली से आते हैं, ठीक है। अब देखिए जो झारखंड और उसके पार्ट में बोला जाता है वह किस फैमिली से आते हैं, या ऑस्ट्रो एसिस्ट सॉरी एस्ट्रो एसिटिक फैमिली से आते हैं, ठीक है। देखिए यह होगा लैंग्वेज के बारे में, इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है लेकिन आप लोग की नॉलेज के लिए बता दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट सर देखिए यहाँ देखिए ऋग्वेद, आप लोग अब कमेंट करते रहिएगा, ऋग्वेद आज से कितने दिन पहले कंपोज हो चुका था, कमेंट करिए, और कंपोज हुआ था उसके बाद देखिए ऋग्वेद या प्रिंट कब हुआ, 200 ईयर एगो, प्रिंट और लिखना, कंपोज और राइट प्रिंट में अंतर होता है, ठीक है। इसलिए वो बनाया गया था उस टाइम में, लेकिन इसका प्रिंटिंग कब किया गया, 2000 ईयर एगो, ठीक है। तब तक यह स्टूडेंट को मेमोराइज करवा के रखा गया था, ठीक है, और उसके बाद यह कंपोज किया गया था कई किस चीज पर, किस पेपर पर इसको कंपोज किया गया था, इसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है।
देखिए एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए कुछ हेमंत यानी मंत्र, हेमंत से बताया मंत्र है जो ऋग्वेद में है ना, जो ऋग्वेद में कुछ हेमंत है वह डायलॉग के फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं बनता है, इसलिए देखिए हम इसको सिर्फ अंडरलाइन करके आप लोग को पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, देखिए विश्वामित्र एंड टू रिवर बीज एंड सतलज, यह जो दो टू रिवर है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बने की लगभग इससे आप आगे देखिए कैसे क्वेश्चन बन गया। यह ऋग्वेद में जो डायलॉग्स दिया हुआ है फेमस डायलॉग्स है उसमें संवाद है, ठीक है बातचीत है, डायलॉग्स बातचीत है, इसके किसी बीच है विश्वामित्र और बीज एंड सतलज जो रिवर है, ठीक है यानी कि यह क्या है जब रिवर है यानी कि यह क्या सैर है ऋषि है या रिवर है यानी कि यह क्या पूजनीय है, ठीक है क्या है गॉडेस वर्शिप है, इनको पूजा जाता होगा उसका, ठीक है अच्छा जून, ठीक है सर और जून करिए नेक्स्ट करिए, अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक कमेंट करते रहिए, आप जितना जुड़े रहेंगे उतना ही मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है सर सब बढ़ाएंगे आइए। उसके बाद देखिए सारा मैं एनसीईआरटी का बुक फॉलो कर रहा हूँ और इसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक के क्वेश्चन तक मैं जाऊंगा, ठीक है जून और सर ऊपर 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 हाँ देखिए यहाँ पर नहीं पढ़ दिया बस थोड़ा और जूम कर दीजिए इसको, देखिए बहुत बढ़िया पिक्चर आप लोग दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको मैं अभी समझाऊंगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है देखिए इसको मैं अभी सर थोड़ा जूम कर दूंगा सर, हाँ होगा ना सर जूम का ऑप्शन नहीं होता है देखिए अब जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को आइए देखते हैं, देखिए यह जो मनुस्क्रिप्ट है ना मनुस्क्रिप्ट यह क्या है, यह मनुस्क्रिप्ट और द ऋग्वेद जो ऋग्वेद, अच्छा आप लोगों को पता होगा मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ मनुस्क्रिप्ट और इनस्क्रिप्ट में क्या अंतर है, ठीक है तो यह फिर दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कि मनुस्क्रिप्ट और इनस्क्रिप्ट में क्या अंतर है, जो भी बच्चे जुड़े हुए लाइक कमेंट करते रहे और एकदम पूरा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए लास्ट में बहुत मजा आएगा, अगर पूरा जुड़े रहेंगे पूरे क्लास जुड़े रहेंगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि यार बहुत इजी है, ठीक है वरना नहीं समझ में आएगा फिर। देखिए यह देखिए दिस मैनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो मैनुस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है वह क्या चीज पर लिखा हुआ है देख पा रहे हैं ना, बीच बात पर, यह बीच बात कहां पर, यह बीच बार फिर देखिए मैं इसको फिर सर्कल कर रहा हूँ, बीच बार जो है कहाँ पर पाया जाता है तो कश्मीर में, इससे दो तीन क्वेश्चन बनेगा, बीच बार कहाँ पर पाया जाता है तो कश्मीर में, ठीक है अच्छा ठीक है इसको इतना ही बनाने देते हैं और देखिए बीच सर इसके साथ देखिए यही बीच बार का है, बीच बार यही है आपके सामने आप बीच बात है देख दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी बुक में आप पिक्चर दिया हुआ है यही लिखा हुआ है, देखिए आज के टाइम से संस्कृत से पहले के टाइम के संस्कृत में इतना डिफरेंस था या दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को एक बीच बात पर मनुस्मृत किया गया है, ठीक है सर ऊपर जाइए छोटा करके छोटा करके आप लोग को पता हो गया बीच बार कहां का एक और छोटा बीच बार की एक कश्मीर में एक पेड़ उससे जो है निकाला जाता था बीच बार बार में से आप लोगों को पता होगा और छोटा सा हाँ ऊपर जाए देखिए यहाँ पर दिया गया विश्वामित्र एंड रिवर यानी कि किस रिवर के बीच और विश्वामित्र के बीच
संवाद हुआ था, क्या डिस्प्यूट हुआ, सॉरी डिस्प्यूट बोल रहे हैं, डायलॉग्स नदी और विश्वामित्र के बीच हुआ था, ये आप लोगों को पहले बता चुके हैं। अभी देखिए यह क्या क्या संवाद हुआ था, क्या क्या डायलॉग्स, क्या क्या हेमंत में बात हुआ था, इसी से रिलेटेड कुछ दिया गया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम स्किप कर रहे हैं। देख लीजिए आप लोगों को अगर टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर आइए, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। आइए आइए सर, येलो दिखाई देगा ना, येलो वहीं पर रुकिएगा। आइए आइए और आइए, देखिए देखिए उस टाइम वैदिक पीरियड में आपसे पूछा जाएगा, वैदिक पीरियड में बैटल्स क्यों हुआ करते थे, उसका क्या रीजन था। देखिए एक मिनट, देखिए कैटल्स आप लोग पता होगा, हॉर्स पता होगा, कैरेट्स कैरेट्स पता होगा, कैरेट्स में होता है रथ। आप लोग को महाभारत में रामायण में देखे होइएगा, पीछे रथ आता है, आगे चार को घोड़ा, दो को घोड़ा, हॉर्स जो है लड़ा हुआ कैरेट्स को क्या करता रहता है, मतलब कि उसको रन करता रहता है, और उसी पर खड़ा होकर जो योद्धा होते थे वो क्या करते थे, फाइट करते थे। तो देखिए ज्यादातर के अधिकांश जो मैक्सिमम जो फॉग बैटल्स हुए, लड़ाई हुए, वो किसके लिए हुए, कैप्चर्स कैटल, क्योंकि उस टाइम तो मनी था नहीं, 100 रुपया 200 रुपया का तो नोट था नहीं, वहां क्या था, कैटल्स थे, ठीक है। आगे इस सब पॉइंट को जो मैं येलो कर रखा हूं उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, इस सब से क्वेश्चन बनता है, जानिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होगा। प्लीज एक्स्ट्रा कमेंट ना करें, ठीक है। हाँ देखिए वाह, वैदिक पीरियड में टू टाइप्स के ग्रुप हुआ करते थे, इसको डिस्क्राइब करना है। वैदिक पीरियड में टू टाइप्स के ग्रुप हुआ करते थे, फर्स्ट ग्रुप थे देखिए हुआ डिस्क्राइबिंग टीम ऑफ देयर वर्क, वो अपने वर्क के अनुसार उनका क्या होता था, उनका उनको डिवाइड किया जाता था। तो उनमें एक थे क्या, देखिए प्रीस्ट, यानी प्रीस्ट मतलब क्या, जो पूजा पाठ करवाते हैं ब्राह्मण, तो लाइफ को बताऊं लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं ब्राह्मण, ठीक है। और एक होता था राजा, देखिए यह राजा आज के राजा की तरह नहीं होता था, यह राजा आज के राजा की तरह नहीं होता था कि सेना फौजी वगैरह सब लेके चले, ठीक है। हाँ और ऊपर चलिए, ठीक है आगे आगे, नेटवर्क इशू के कारण वीडियो थोड़ा उस हो गया था, ठीक है। देखिए उस टाइम जो है ना, दो वर्ड हम लोग जान के चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक जना, आप लोग आज भी गांव में रहते होंगे तो जना समझते होंगे, जना यानी पीपल, ठीक है, पीपल यानी लोग, जना मतलब लोग। और विस, विस, विस किसके लिए आता था, तो यह विस वर्ड वैश्य, वैश्य जो ट्रेड करते हैं ना उनके लिए विस, विस शब्द का यूज होता था, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट का थोड़ा देर में, दो चार मिनट में मैं, हाँ बस बस महाभारत भी पर क्वेश्चन भी मैं रखता हूँ आप लोग के लिए, महाभारत पर भी मैं क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए आर्यंस एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स, देखिए एक और वर्ड आता है दास, आज दास मतलब स्लैव माना जाता है, नौकर सर्वेंट माना जाता है, लेकिन उस टाइम दास का मीनिंग क्या होता था इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आप लोगों को एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। आर्यन जो है ना, जो अपने ओपोनेंट्स यानी अपने दुश्मन को क्या मानते थे, दास, ठीक है दास। और दास मतलब क्या, उस पर जब वह ओन कर जाते थे, फाइट करके उसको जीत लेते थे, तो उसको अपने हिसाब से जो है ना रखते थे, उससे अपना काम उनको आते थे, यही शब्द आगे चलकर सर्वेंट में चेंज हो गया, ठीक है। देखिए दास का पहले क्या मीनिंग था, आज क्या मीनिंग है आप लोग समझ सकते हैं।
नहीं राइटर और ऑथर और पोएट में तो मैं बोला ही नहीं था कि डिफरेंस बताऊंगा, मैं तो बोला ही नहीं था। देखो ऋग्वेद वाज बीन कंपोज द नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट, देखिए यहां मैप देखिए सब क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट का हमें क्या मतलब क्या होगा, देखिए यह होगा ना, अब देखिए यहां पर नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट कहने का मतलब क्या होगा, आप इसको समझिएगा। सॉरी देखिए यह मान लीजिए इंडिया का मिडिल है, नॉर्थ नॉर्थ किधर है ऊपर और वेस्ट किधर इधर, यानी कश्मीर वाले पार्ट में इसका कंपोजिशन किया गया था, ठीक है, इसको कंपोज किया गया था, सॉरी इसका कंपोज किया गया था। नेक्स्ट पर देखिए नेक्स्ट आइए देखिए जो एक ग्रुप है ना मेगालिथिक, मेगालिथिक मतलब क्या है स्टोन, दिस स्टोन बिल्डर्स एज नोन द मेगालिथिक लिटरली बिग स्टोन, बड़ा स्टोन को मीन मेगालिथिक टाइम पीरियड क्या है मेगालिथिक का 3000 ईयर, ठीक है। आगे देखिए यह होता था ना, यह वर्गल होता था, ठीक है, इस तरह बड़ा बड़ा स्टोन का बनाकर तो बीच में आदमी को उसके सभी सामानों के साथ दफन कर दिया जाता था, इसमें दफना दिया जाता था, ठीक है, उसका जो फेवरेट चीज होता था, उसका फेवरेट क्या बोलते हैं फेवरेट जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट होता था, वेपन्स होता था, उन सब के साथ इनको क्या किया जाता था, इसी तरह जो है ना बनाया जाता था बर्गल, और इसमें क्या किया जाता था दफन कर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सर नेक्स्ट 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 लेकिन इसी टाइप से स्टोन सब उड़ा करता था। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह बनते हैं, आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे अभी, बस एक पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है, बस एक पॉइंट आप लोगों को मैं दिखा दूं और समझा दूं, ठीक है। उसके बाद देखिए अबाउट 2000 ईयर एगो फेमस फिजिशियन नेम चरक, आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा विचार चुका है, हु राइट अ बुक ऑन मेडिसिन नो एज द चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, और इसमें इन्होंने बोला था कि 360 बोन्स होते हैं टोटल, लेकिन यहाँ क्यों बोला था कार्टिलेज और टीथ को, क्या तब कार्टिलेज और टीथ को लेकर बोला था, ठीक है। चलिए बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो ऑफलाइन क्लास होगा उसमें बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज बता देते हैं, चाइना के हरकतों से आप लोग बहुत वाकिफ हैं, इसलिए चाइना से रिलेटेड जो है ना, चाइना के हरकतों से आप लोग वाकिफ है, कोरोना बहुत बड़ा वायरस दे चुका है कोरोना चाइना, इसलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन इस चैप्टर में हमको मिला, इसलिए इसको मेंशन करना मैं जरूरी समझा, ठीक है। अराउंड 3500 ईयर एगो वी फाइंड सम द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना, दिस राइटिंग वेयर ऑन एनिमल्स, उस टाइम भी वो एनिमल्स के बोने पर लिखते थे, अब बताइए उस टाइम भी वो क्या करते थे, एनिमल्स बोन पर ही लिखते थे, क्यों जो मर जाते थे, जो पीपल्स मर जाते हैं आज हम लोग जला देते हैं, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम उनको दफन किया जाता था, ठीक है। और आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइए कमेंट फास्ट करने के लिए, ठीक है, जो जो ध्यान से पढ़े हैं वह अब फटाफट आंसर देंगे इसका। देखिए क्वेश्चन है हु वाज द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेद, इसका आंसर जल्दी करिए, दफन, हाँ दफन, इसका आंसर जल्दी करिए आप लोग फटाफट, बहुत सारा लगभग 40-50 क्वेश्चन है, सी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सी ऋग्वेद
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गॉड ऑफ अकॉर्डिंग रिगवेद? ठीक है, हु इज द गॉड ऑफ फायर? हु इज द गॉड? हां, ये बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड बच्चे। इसका मतलब आप लोग वीडियो अच्छे से देखे हैं, बने रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अग्नि, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अग्नि, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच लैंग्वेज द ऋग्वेद रिटेन? बताइए बताइए इसका आंसर। नहीं, अभी अग्नि, अभी अग्नि इंद्र पर नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जो पीछे छूट गया वो दोबारा कमेंट ना करें, इसका आंसर दीजिए। ए वैदिक, वैदिक संस्कृत, बहुत बढ़िया, गुड, लगभग सभी बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं। रितेश, अमोव, कश्यप, आकाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द टू रिवर आर स्टडीज इन द ऋग्वेद? इसमें आंसर बताइए। मैं यह बता चुका हूं आप लोगों को टॉपिक में, हाँ, थ्री का ये बहुत बढ़िया, सुशांत सुमन, इसी तरह आंसर दीजिए। बी, नहीं, बी बहुत बढ़िया, बी एंड सतलज, देख बहुत फास्ट बच्चे कर रहे हैं, इसका मतलब बी को अच्छे से आप लोग ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द ऋग्वेद रिटेन? ऋग्वेद, ऋग्वेद कब कंपोज किया गया था, कब लिखा गया था, इसका आंसर बताइए बच्चों। इसका ए होगा, इसका ए होगा 35 ईयर एगो। चलिए 35, इसका ए होगा, ए बहुत बढ़िया स्वाद, हाँ सभी, बी नहीं होगा भाई, ये होगा, और क्वेश्चन के साथ उसका नंबर आंसर डालिए तब पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच बैंक वाज द ऋग्वेद, ऑन विच, सॉरी, ऑन विच बार वाज द ऋग्वेद रिटेन? किस बार पर जो है ना ऋग्वेद कंपोज किया गया था? जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइक करके जाए, देखो किस बार पर कंपोज किया गया था, तो डी, विच बार पर, ए नहीं होगा, बी होगा, सिक्स का डी होगा, सिक्स का डी होगा। हमने पढ़ाया हूँ कश्मीर में है सर, यह कहाँ पाया जाता है कश्मीर में, मैं बताया भी हूँ फिगर के साथ। डी बहुत बढ़िया, कौन है, अनुराग मिश्रा, बहुत बढ़िया, डी डी, हाँ डी होगा। नेक्स्ट देखिए आप, विच इज वेयर इज द बार्थ फाउंडिंग? देखिए अभी अभी इस पर चर्चा की है, कश्मीर, इसका भी डी होगा। ठीक है, हाँ डी, बहुत बढ़िया, गुड, सभी बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे कहाँ से चला गया भाई? अभी बताया हूँ ना, अभी उधर कोर्नर में बताया हूँ फिगर के साथ कि इस बार कहाँ मिलता है, तो कश्मीर में। ठीक है, पुणे कहाँ से चला गया, इसका मतलब आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं वीडियो। कश्मीर, बहुत बढ़िया अनुराग मिश्रा, जी जी बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू वेयर द इन द एंशिएंट टाइम, पुजारी कौन थे, पुजारी कौन थे, इसका आंसर फटाफट करिए। इसका आंसर ए, बहुत बढ़िया, सबसे फास्ट है वरुण भारद्वाज, आदर्श आनंद, बहुत बढ़िया अमित, हाँ सबसे फास्ट वाले मैं जल्दी पढ़ूंगा। ठीक है, ब्राह्मण जो थे वही कृष्ण थे। नेक्स्ट, देखिए सारा टॉपिक है जो मैं करवाया उसी टाइप से क्वेश्चन है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं।
Which were the two words used to describe the people of the community as whole? सभी community के लिए कौन सा दो word use किया जाता था? इसका आंसर ए ए ए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? ए आदर्श आनंद, बहुत बढ़िया। ए होगा हेमंत कुमार, आप लेट से जुड़े। नहीं सी नहीं होगा, मैं पढ़ाया जना और विश। जना यानी लोग और विश का जो ट्रेनर्स थे उनको बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच रीजन वाज द ऋग्वेद कंपोज। मैं अभी बताया हूँ किस रीजन में है कंपोज किया गया है, किस रीजन में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं नॉर्थ वेस्ट में भाई। मैं कश्मीर में बताया, नॉर्थ वेस्ट में बताया। मैं ध्यान से आप लोग देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं फिगर बना कर भी बताया आप लोग को। नॉर्थ वेस्ट में कश्मीर पड़ता है इंडिया के, और वहां पर ब्रिक्स वहीं के बात पर जो है ना बनाया जाता है नॉर्थ वेस्ट। बहुत बढ़िया, भी ध्यान रखिए, इसलिए बोलते हैं कंटिन्यू जुड़े रहे। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोर्ड फ्लैश आप लोग आंसर दे। When the dead body was buried with the gold beads, it means that the dead man was stitched the blank with suitable words chosen from the following. इसके बाद बताइए, मैं बताया था ना, जो जितना धनी मनी होता था, जो जितना धनी मनी होता था, जिनको लग रहा है टाइम ओवर, वह गिव अप कर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को पढ़ना है उनको पढ़ने दे, जिनको लग रहा है टाइम ओवर और प्लीज क्लास से लीव कर सकते हैं। पुअर मैन नहीं, देखिए जो जितना ज्यादा धनवान होता था ना उसके साथ उतना ही ज्यादा सोना चांदी उससे जुड़ा हुआ था रिच मैन। बहुत बढ़िया, मैंने बताने से पहले आपको आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। हाँ रिच मैन, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, चलिए कौन कौन सा फल है। टाइम कम के कमी के कारण मैं यहाँ नहीं बता पाया हूँ। वहां जो है मैंगो नहीं पाया जाता, उस टाइम मैंगो नहीं मिलता था, सॉरी उस टाइम में टाइम कम होने के कारण। आप लोग नीचे जाकर देखिएगा ना, नीचे वाला पेज में वहां पर मैंगो दिया होगा। सॉरी क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, द एविडेंस ऑफ फिश फ्रूट वी आर फाउंड, सॉरी मैंगो नहीं था यानी खा गया। यह आंसर होगा बेल, आंवला एंड जामुन। यह सब जो है ना वहां पर उस रीजन में मिला था, ठीक है। मेरा गलती मेरा था, सॉरी इसके लिए। मैंगो आंसर नहीं होगा इसका, मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, बेल आंवला एंड जामुन होगा, ठीक है सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। अब देखिए आप लोग अभी कर रहे थे लो लेवल, अपने क्लास के लेवल से। अब देखिए जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। और पांच मिनट अभी और क्लास में सोच रहा हूँ चलाने का, अगर बच्चे अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो यस लिख कर भेजिए, ठीक है। पांच मिनट और क्लास चलेगा, 45 मिनट तक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कर ले, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ यस सर, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चे का आंसर यस सर है। पांच मिनट और देखिए, अब है डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन, हुआ तो मैंने इजी लेवल का डाला था जो आप लोग के लेवल से है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ एसएससी ग्रेड, ग्रेड एसएससी, एसएससी, एसएससी टैक्स असिस्टेंट यानी हायर लेवल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारा आपको लगेगा जैसे पढ़ा हुआ चीज है, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू, देखिए इसका आंसर होगा सी, मैक्स मुलर। क्या आंसर होगा? मैक्स मुलर, ठीक है। बच्चे ध्यान से देखते चलेंगे, बी नहीं होगा खाली, सी होगा, सी, एक का सी, ठीक है। दूसरा कहता है स्टेबल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन, आर्यन वाज स्टेबल फूड, मतलब आप लोग जानते हैं ना मुख्य भोजन क्या था उनका, मुख्य भोजन। सेकेंड का आंसर दीजिए, एक ही बच्चे
दो बार तीन बार कमिट नहीं करेंगे। सेकेंड का आंसर आप लोग दे सकते हैं उस टाइम क्यों बैटल्स क्यों होते थे, उस टाइम पहले बताइए बैटल्स क्यों होते थे कैटल्स के लिए, बैटल्स क्यों होते थे कैटल्स के लिए, तो उनका भोजन क्या था, तो वह मिल्क एंड प्रोडक्ट। बात समझ में आया बच्चों, बैटल्स क्यों होते थे फॉर कैटल्स, तो कैटल्स से क्या लेंगे, नहीं ये नहीं, यह मिल्क स्टेपल फूड उनका था मिल्क, वॉट इट, हाँ यस 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 यस, बैटल क्यों होते थे कैटल के लिए, तो कैटल से क्या करेंगे भाई, घूमेंगे थोड़ा ही ना, सिर्फ उससे कुछ चलेगा ना, भोजन पानी। तो देखिए मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ महाभारत इज, हाँ कोई बच्चा महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था ना, तो देखिए यहाँ पर मैं आंसर कर चुका हूँ इसको, द बैटल ऑफ महाभारत इज बिलीव्ड टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र, कितना दिन तक चला था या कितना दिन चला था, तो बैटल चला था 18 डेज तक, 18 दिन तक बैटल चला था महाभारत का, ठीक है नहीं 18 डेज तक चला था। सर थोड़ा छोटा कर दिया ना, मुझे सभी क्वेश्चन आ जाएगा पूरा नहीं दिखता है बीच थोड़ा सा छोटा, हाँ 18 डेज और इधर 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 थोड़ा सा, हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन इज आयरन साइक्लिंग इज एसेंडिंग ऑर्डर टू एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इज करेक्ट, इसका आंसर दे बच्चे, देखिए इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा इसलिए इसको आंसर इसका कर देता हूँ, आप लोग कमेंट करिए अगर कुछ पता है तो, हाँ पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा, बस 3 मिनट और क्लास चलेगा उसके बाद पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा। देखिए इसका होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है इसका 4 का आंसर होगा ब्रह्मचर्य, ठीक है गृहस्थ वनस्पत और सन्यास, यह जो है थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा हो गया क्वेश्चन, इसलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन भी है थोड़ा ज्यादा अपडेट कर और उत्तर देंगे, से दो चार क्वेश्चन इस टाइप से और देख लेते हैं, ये बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी होगा जो बच्चे दे चुके होंगे एग्जाम किसी ना किसी का, पूरे अमाउंट ऑफ फ्लोइंग रोड संस्कृत ग्रामर, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट करें फटाफट, इसका आंसर सभी बच्चे फटाफट कमेंट करें, इसका आंसर होगा क्या होगा काली, काली नहीं होगा भाई, इसका आंसर होगा पननी, इसका होगा पननी, जो बच्चे जानते हैं पननी होगा, ठीक है हाँ पननी बहुत बढ़िया, जो बच्चे जानते हैं पननी। विच रिवर हैज नो मेंशन इन रेलवे, इसमें देखिए सिंधु किस साइड में है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, ठीक है सरस्वती नदी में है, यमुना भी नॉर्थ में है, पेरियार कहाँ है, केरला साइड में, तो हम कंपोज ऋग्वेद कहाँ हुआ था नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो यहाँ पर उसका चर्चा क्या पेरियार का रहेगा क्या, नहीं ना रहेगा, यह सब जो है ना नॉर्थ रीजन का रिवर है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है और ये सब याद नहीं हो जाएगा कौन रिवर कहाँ से है, ठीक है बच्चे आज आई थिंक क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करना चाह रहा हूँ, ठीक है टाइम ज्यादा हो चुका है और सभी बच्चे वीडियो अच्छे से देखे, हाँ ठीक है नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें इसी तरह और जी बच्चे, ठीक है आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, बाय बच्चे, इसको आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और प्रिपेयर करिएगा।